चौथे चरण में शाहकुंड में कल चुनाव होने हैं। इस वक्त हम शाहकुंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मौजूद हैं और यहां से ईवीएम को जो यहां पर बूथ बनाए गए हैं शाहकुंड प्रखंड क्षेत्र में सभी पंचायतों में जो बूथ बनाए गए हैं सभी गांवों में जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर ईवीएम को लेकर जाया जा रहा है। कल यहाँ पर वोटिंग होनी है। 1500 के करीब यहाँ पर फोर्स लाए गए हैं। ये सभी फोर्स यहाँ से जहाँ इनका बूथ है जहाँ पर इनको भेजा जाएगा यहाँ वहाँ वो जाएंगे और कल ये उस बूथ पर तैनात रहेंगे। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में फोर्स हैं और ये फोर्स कल वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ईवीएम एक बार हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ से ईवीएम को लेके जाया जा रहा है। सभी जो पंचायत हैं जहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर लेके जाया जाएंगे। साथ ही बता दें कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 1500 फोर्स हैं और भी मतलब जवान हैं, रैप के भी जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो या फिर कोई असामाजिक तत्व चुनाव को बाधित ना करे। ये कस्तूरबा गांधी का परिसर है, विद्यालय का परिसर है। यहाँ पर सभी फोर्स मौजूद हैं। कल ये वहाँ पर शांतिपूर्ण चुनाव को परिपूर्ण करवाएंगे। यहाँ से ईवीएम जो है थोड़ी देर के में जो है सभी ईवीएम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो जो मतदान केंद्र है सभी ईवीएम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बिग न्यूज़ पर चुनाव की अपडेट देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें।